तो लगे भाई, ये कौन से हैं? ये जो ये देखो, चीन से लेकर थाईलैंड तक पान भेजो है मेरे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थाईलैंड जाते हैं इनके पान। थाईलैंड बम्बई तो जाते हैं, बम्बई तो जाते रहते हैं। चार पाँच दिन ये पान नहीं खराब होता है। सवेरे से 9 बजे से लेकर रात को 1:30, 2:00, कोई पता नहीं, 4 भी बज सकती है। यहाँ पर कोई काम है पान लगाने का, सिर्फ ठीक है 100 पान 50 पान कैसे चलते रहे। ये वाली मीठे हैं, ये मीठा पान है एकदम, और ये डब्बी पान है, तो ये डब्बी के अंदर रहता है इसलिए डब्बी पान है। और इसमें केसर मिली हुई है, ये फर्स्ट नाइट का पान भी है, 250 रुपये। तो ओहो, शानदार जवाब। तो अभी हम आगे मद्रासी विनायक फास्ट फूड जो कि जसूसर गेट के पास में, तो यहाँ यहाँ देखते हैं यहाँ का फास्ट फूड कैसा है और फिर आपको बताते हैं। मेरा नाम है अशोक कुमार। अशोक पान सारे अवेलेबल है, मीठे पान से लेकर 250 रुपए तक पान है, 15 रुपए से लेकर रायपुर राजा रानी जो मांगते हो। और ये जो लगे भाई, ये कौन से हैं? ये जो सवे में हमारे नॉर्मल चलते हैं 150 पान से ऑर्डर में, जैसे हमारे देखो पहले ये ऑलरेडी ऑर्डर रहते हैं आगे आगे, ये देखो। हाँ, कहाँ कहाँ के ऑर्डर रहते हैं आपके? मेरे पास चीन से लेकर थाईलैंड तक पान भेजो है मेरे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थाईलैंड जाते हैं इनके पान। थाईलैंड बम्बई तो जाते हैं। अच्छा, बम्बई तो जाते रहते हैं। तो 4-5 दिन ये पान नहीं खराब होता है। तो आप देख सकते हो थाईलैंड और मुंबई तक जाते हैं इनके पान। पैकिंग है जो बीकानेर में किसी के पास नहीं ऐसी मिलती है। ऐसा एसोसिएशन में पहले नंबर दुकान आती है हमारी लिस्ट में, ऐसा जो हमारे पास मीठे पान है। अच्छा, गुलकंद चेरी वाले जो लेडीज पान, तो लेडीज पान कहते हैं। हाँ। अब सब में लोग आते हैं, ऑर्डर ही करते हैं, आगे से आगे मतलब ऑर्डर लेते हैं। और 5-6 आदमी तो मतलब सवेरे से 9 बजे से लेकर रात को 1:30, 2:00, कोई पता नहीं, 4 भी बज सकती है। यहाँ पर कोई काम है पान लगाने का, सिर्फ ठीक है 100 पान 50 पान कैसे चलते रहे। ये वाली मीठे हैं, ये मीठे पान है एकदम। और मैं ब्याह में मतलब आपको 2-2 घंटे मतलब टाइम ही रहता है, रात को दिन तो लोग सवेरे लगाते हैं। ये डब्बी पान है, ये कौन सा है? ये डब्बी पान है, डब्बी पान केसर लगे हुए हैं पूरे एकदम। हाँ, तो पैकिंग होते हैं
ये तीन दिन में मतलब यहाँ से तीन दिन तो कहीं नहीं जाते हैं गाड़ी के अंदर, और दो दिन आराम से रख सकते हो, पाँच दिन खराब भी नहीं होते, खराब नहीं होते पाँच दिन हमारा सुपारी नहीं डालते तो ये चार दिन पाँच दिन लग जाता है। हाँ तो ये करें कि इसमें सुपारी वगैरह नहीं डालते जिसकी वजह से ये पान खराब नहीं होता, और जहाँ भी भेजे तो भेज सकते हैं तो ख़राब नहीं होता। और ये डब्बी पान है तो ये डब्बी के अंदर रहता है इसलिए डब्बी पान है, और इसमें केसर मिली हुई है। ये कपल पान जैसे शादी हुई में सगे प्रोग्राम है, शादी साल के 25 भी 50 भी, इसलिए फर्स्ट नाइट शानदार। पहले मुंह में पिज्जा वगैरह का टेस्ट था, अब ये पान खाने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, बिल्कुल इसका टेस्ट आ गया, हाथ खराब हो गया, बारिश हो रही यार, गीले हो गए पूरे।